Assalamu alaikum. Today's lecture, we will discuss about mono sound and stereo sound, specifically talking with respect to single channel sounds and dual channel or multi channel sounds. कि किस तरह से हम जो एक डिजिटल साउंड है उसको मल्टीपल स्पीकर से डिफरेंट तरीके से जनरेट करा सकें. फॉर एग्जांपल अगर दो स्पीकर है तो दोनों स्पीकर से हमें दो अलग अलग आवाज़ें आएँ ताकि हम एक रियलिज्म को जनरेट कर सकें. इस चीज़ को हम स्टीरियो साउंड और मल्टी चैनल साउंड कहते हैं. साथ साथ उसके 16-bit और 8-bit साउंड सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं. माई नेम इज़ डॉक्टर ईशान भट्टी एंड लेट्स बिगिन. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनो साउंड से. नाउ बेसिकली जब भी हम साउंड की बात करते हैं देयर आर स्टैंडर्ड टू चैनल ऑफ साउंड्स हम बात करते हैं, मोनो साउंड एंड स्टीरियो साउंड. ठीक है, मोनो साउंड का बेसिक मतलब ये होता है कि इट्स अ साउंड विद वन चैनल बीइंग यूज्ड. वन चैनल का मतलब ये कि जो साउंड जनरेट होता है वो एक ही सिंगल चैनल से आता है, एक सिंगल वायर से, एक सिंगल सोर्स होती है. वो सिंगल सोर्स फिर दो स्पीकर्स की तरफ अलग अलग चली जाती है. ठीक है, इट कैन बी रिप्रोड्यूस थ्रू सेवरल स्पीकर्स बट ऑल स्पीकर्स आर स्टिल रिप्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ द साउंड. ओके, व्हाट इज बेसिकली मीन्स, क्योंकि एक सिंगल चैनल आ रहा है तो वो एक ही साउंड बेसिकली चार पांच छह स्पीकर से अगर हम लगाए हुए हैं तो सब में से एग्जैक्टली वही सेम साउंड सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ आ रहा होगा. दिस इज कॉल्ड अ मोनो साउंड. सो वेरी सिंपल बेसिक स्टैंडर्ड साउंड हमारे पास अवेलेबल है. उसके बरक्स पर स्टीरियो साउंड आ जाता है. स्टीरियो साउंड को हम कहते हैं इट्स अ ड्यूअल चैनल साउंड और टू चैनल साउंड. In a stereophonic sound, more channels are used, typically two. You can use two different channels and make one feed one speaker and the second channel feed a second speaker, which is the most common stereo type setup. This is used to create a directional perspective or space of perspective. In other words, stereo sound के अंदर क्या होता है हमारे पास basically कि दो channels होते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, जब दो channel आते हैं इसका मतलब ये कि sound हमारे पास दो अलग-अलग channels में से आ रहा है, दो अलग-अलग wires में से आ रहा है, अगर आप बात समझो तो. ठीक, तो जब दो अलग अलग चैनल्स दो अलग अलग साउंड से हमारे पास आवाज आ रही है तो अब वो जो आवाज है वो हम दोनों आवाजों को अलग अलग तरह से दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, और उन दोनों चैनल्स को अब हम दो अलग अलग स्पीकर्स को दे देते हैं. हैंस स्पीकर लेफ्ट और राइट जो दो स्पीकर्स होते हैं दोनों में से हम दो अलग अलग साउंड्स एट द सेम टाइम जनरेट करा सकते हैं. ये चीज टिपिकली गुड म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिक फाइल्स के अंदर, म्यूजिक साउंड के अंदर होता है कि एक स्पीकर से फॉर एग्जाम्पल मेन वोकल की आ रही होती है, दूसरे स्पीकर से बैकग्राउंड की आवाज आ रही होती है, ताकि आपको दो अलग अलग आवाजें कान पर लगे. अगर दो सिंगर्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों साइमल्टेनियसली गा रहे हैं तो दोनों आवाजें दो अलग अलग स्पीकर से प्रोमिनेंटली आती हैं, एक से मेल आ रही है कि फीमेल आ रही है. उससे क्या होता है कि आपको फील होता है. अगेन रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि इंसान के जो कान है दे आर वेरी डायरेक्शनल सेंसिटिव टू द साउंड एज वेल. हम लोग एनालॉग साउंड सुनते हैं और इसकी जो सुनने की सलाहियत है बहुत हाई क्वालिटी की होती है. हम आवाज को पहचानते हैं कि वो किस डायरेक्शन से हमारे पास आवाज आ रही है, ये लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है. ठीक है, ये चीज हमारे पास एक रियलिज्म ऑफ साउंड क्रिएट करती है, जिसको हम थ्री डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल साउंड हमारे दिमाग में आता है कि आवाज कहाँ से खुल रही है. पीछे से दरवाजा खुला तो उसकी आवाज हमारे पास अलग से आएगी, सामने से दरवाजा खुला तो हमें फील होता है क्या सामने से दरवाजा आए. किसी जो बात कर रहा है उसकी आवाज से उसकी डायरेक्शन का हमें अंदाजा लगता है कि वो आवाज किस डायरेक्शन से हमारे पास आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है. ठीक, ये रियल में हमें फील होता है. यही चीज स्पीकर्स में कैसे फील कर रहा है, तो उसके लिए टिपिकली हमारे पास टू स्पीकर सिस्टम होता है. तो टू स्पीकर लगाए जाते हैं, दोनों स्पीकर को दो अलग अलग चैनल दिए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से अलग, और लेफ्ट स्पीकर से अलग सीक्वेंस ऑफ आवाज आता है, राइट से अलग सीक्वेंस ऑफ आवाज आ रहा होता है. म्यूजिक है तो एक से गिटार आ रहा होता है, एक से ड्रम आ रहा होता है. उससे क्या होता है कि जब दो अलग अलग आवाजें आपके कानों में एक साथ पड़ती है ना, तो योर ब्रेन इज मोर एबल बेटर एबल टू कैलकुलेट कि यार आवाज की क्वालिटी कितनी अच्छी. अगर एक ही आवाज आ रही है ना एक स्पीकर से तो वो सिंगल टोन आ रही है, दोनों पे सेम आवाज पड़ रही है, लेकिन जब दो अलग अलग आवाजें पड़ती है ना तो उसका इफेक्ट हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन रियल में भी इसी तरह से कर रहा होता है. हम रियल एनवायरनमेंट बैठे हो रहे थे, हमारे पास देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्बिएंट साउंड अवेलेबल. कि हम अगर मैं बाहर आउटडोर बैठा हूँ तो वहाँ पे गाड़ियों की आवाज आ रही है, परिंदों की आवाज आ रही है, या लोग बात कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, किसी का हॉर्न बज रहा है, किसी की आवाज आ रही है, तो मुख्तलिफ सोर्सेज से बहुत सारी आवाजें हमारे जब कानों में पड़ती है ना तो ब्रेन के अंदर एक 3D विजुअलाइजेशन, एक एनवायरनमेंट का फील होता है कि यार मैं कहाँ पे बैठा हूँ. भले मेरी आंखें बंद भी हों, मैं किसी पार्क में बैठा हूँ तो वहाँ पे परिंदों की आवाज़, लोगों की बात करने की आवाज़, कोई जॉगिंग कर रहा तो उसके चलने की आवाज़, दूर से गाड़ी जा रही उसकी आवाज़, तो मेरे आंखें बंद भी होंगी ना तो वो एक इन्वायरमेंट की आवाज़ और उसकी डायरेक्शन से हमारे जहन में उसका पिक्चर खुद ही बन जाता है. ये दिस इज हाउ अवर ब्रेन बेसिकली वर्क्स. यही इफेक्ट हम साउंड के थ्रू यूजिंग स्टीरियो इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अलग अलग स्पीकर से अलग अलग आवाज़ आए, तो आपके जहन में ना वो डिजिटल साउंड की भी एक उसी रियल पिक्चर क्रिएट हो, तभी आपको लगेगा कि यार साउंड बड़ा जबरदस्त है.
ठीक, थोड़ी बात समझ आई। ये चीज उमूमन हम गाड़ी के अंदर नोट करते हैं अक्सर, अवकात जब आप कार में बैठे होते हो ना, तो कार में क्योंकि आप सेंटर होते हो, एक स्पीकर लेफ्ट का यहाँ पे होता है, राइट का आपके साइड होता है, अगर डोर में स्पीकर सेंटर तो लेफ्ट राइट अलग होता है। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू गुड क्वालिटी म्यूजिक, नेट से डाउनलोड की भी 2-2.5 MB की फाइल नहीं, अगर अच्छी सी म्यूजिक क्वालिटी अगर आप सुन रहे हो साउंड क्लाउड फॉर एग्जाम्पल, या अगर एक उसमें प्रॉपर अनकम्प्रेस 16 GB की DVD क्वालिटी का आप साउंड सुन रहे हो, 16 bit वाली सी DVD क्वालिटी, तो आपको सुनाई देगा कि झनकार अलग स्पीकर से आ रही है, गिटार टिंग टिंग अलग से आ रही है, लीड सिंगर गा रहा है तो वो एक मेन से गा रहा है, लेकिन जो कोरस आ रहा है वो अलग स्पीकर से आवाज आ रही है, ठीक है। तो यू कैन फील दैट साउंड के ड्रम्स का अलग आ रहा है आवाज, स्पीकर का अलग आ रहा है, तो आपके पास जो विजुअलाइजेशन होती है बड़ी जबरदस्त होती है। मैंने कार का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि घर में उमूमन जब हम रखते हैं ना, तो हमने डेक को सामने रख दिया अपने मेन, उसका जो मेन एम्पलीफाइंग सिस्टम है कैसेट का डेक का, वो सेंटर पर है, एक स्पीकर उसके लेफ्ट पे, एक स्पीकर उसके राइट पे, दोनों साइड, और हमें जब हम बैठते हैं ना, तो वो एक कोने में एक तरफ पड़ा और हमने सामने बैठे हैं, तो हमारी भी आवाज़ दोनों सेम तरीके से आ रही है, तो वो इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा होता। जब दो अलग अलग स्पीकर्स की अगर आप नॉर्मली चेक करो तो उनकी वायर्स बहुत लंबी होती है, अगर आपके पास अच्छा साउंड सिस्टम है तो यू वुड चेक कि उसकी वायर्स बहुत लंबी होती है। वजह ये कि दे आर मेंट टू बी पुट इन टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द रूम, एक जगह पे एक टेबल पे नहीं रखने के लिए होते, वो दो अलग अलग किनारे पे रखने के होता है, ताकि अगर आप सेंटर पे बैठे और आवाज़ स्पीकर दो अलग अलग आए, तो यहाँ से आपको अलग आवाज़ महसूस होगी, यहाँ से अलग आवाज़ महसूस होगी, ओनली देन इट वुड क्रिएट अ रियलिज्म ऑफ साउंड। दिस इज व्हाट स्टीरियो इज केपेबल ऑफ डूइंग, फ्रॉम 2 channel to 3 channel to 4 channel to 7 channels। अक्सर आप जब साउंड सिस्टम लेने जाते हैं, उस पर लिखा होता है 2.5D सराउंड साउंड सिस्टम। 2.5 का मतलब ये कि एक तो 2 channel और 0.5 जो है वो वूफर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि वो वूफर सिस्टम है जिसपे सिर्फ दम दम दम, तो वो सेंटर पे आवाज वूफर्स की होती है और 2 speakers अलग होते हैं आप रखो, और वो आपको 2.5D सराउंड सिस्टम देता है। कहीं पे 5 सराउंड साउंड सिस्टम आता है, 5D सराउंड सिस्टम। 5D का मतलब ये कि उसमें एक मेन सिस्टम होगा वूफर्स वाला, 2 speakers आगे के लिए होंगे और 2 छोटे speakers और होंगे जो आपने पीछे के रखने हैं या उसको अलग एंगल्स पे रखने हैं, और उनकी भी बड़ी लंबी लंबी लंबी, लंबी वायर्स होती हैं। वो लंबी वायर्स होती इसीलिए कि आप उनको 2 अलग अलग रूम्स में 4 different जगहों पे रखो, तो 2 speakers आगे रखे, 2 साइड में रखे। अब जब आप सेंटर पर बैठोगे तो क्योंकि वो डिफरेंस उसमें 1-2 meter का अगर आपके पास है, तो अब आपको 2 different directions से साउंड आएगा, तो वो जो साउंड होगा वो बहुत हाई क्वालिटी का आपको सुनाई देगा, आपको मजा भी देगा। लेकिन अगर आपने वो 4 speaker उठा के एक ही साथ एक छोटे से टेबल पर रख दिया, तो उसकी साउंड अब वो क्योंकि बेसिकली एक ही डायरेक्शन से साउंड आ रहा है, तो अब आपको वो क्वालिटी ऑफ साउंड, वो जो है ना 3D विजुअलाइजेशन क्रिएट नहीं होगी। शर्त अगेन उसकी भी है कि साउंड की फाइल ओरिजिनल हो, क्योंकि आजकल हम नेट से जो डाउनलोड करते हैं अक्सर म्यूजिक, तो वो कंप्रेस्ड होती हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटी और डबल चैनल्स को वो किल कर देते हैं, सो इट हैज़ टू बी अ गुड क्वालिटी ऑफ अ साउंड, ठीक है। और अगर ओरिजिनल DVD, इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन यू परचेज एन ओरिजिनल DVD क्वालिटी साउंड, इट हैज़ दैट हाईएस्ट स्टैंडर्ड एंड इट हैज़ दैट फीचर कि अलग अलग स्पीकर से वो अलग अलग वॉइस को जनरेट करा सके। इसी तरह से 7D और या 3D सराउंड साउंड सिस्टम आते हैं, जिसमें 5 से 6 different पीसेज होते हैं, 2 बड़े बड़े टावर लंबे से होते हैं वो सामने रखे जाते हैं, फिर 4 छोटे speaker दिए जाते हैं कि 2 साइडों में, फिर 2 room के पीछे रखो आप जहाँ पे बैठे हो, ठीक है, 2 आगे 2 पीछे और फिर बड़े 2 towers और फिर वूफर सिस्टम अलग हो, जब उसमें प्ले होता है तो आगे से साउंड अलग आता है, आपके पीछे से साउंड अलग आ रहा होता है, और वो साउंड कमाल का होता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली 7 channels यूज होते हैं, 7 different channels, एवरी चैनल इज फेड अ डिफरेंट साउंड। जो नाउ सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स सिनेमास हैं, उसमें भी जो 3D सराउंड साउंड सिस्टम यूज किया जाता है, वो भी ऐसा होता है कि अगर आप मूवी सामने देख रहे हो लेकिन दरवाजा खुलता है, तो जो दरवाजा पीछे से क्योंकि कैरेक्टर के खुल रहा है, तो आपको भी आवाज पीछे के स्पीकर से आएगी, ताकि लगे कि वो पीछे का आ रहा है, सो यू फील यू आर इनसाइड दैट मूवी। इसी तरह से अगर लेफ्ट से गोली चलिए तो सिर्फ लेफ्ट वाले स्पीकर से उसका आवाज आएगी, ताकि आपके जहन में भी वो इमेज बने कि यार लेफ्ट से गोली चलिए, यू नो, सो इट क्रिएट्स दैट रियलिज्म इन द सिनेमा। इसीलिए सिनेमा में विद दैट 3D सराउंड साउंड सिस्टम के साथ जब हम मूवी देखते हैं, तो उसका मजा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू व्हेन वी वॉच इट ऑन द लैपटॉप। लैपटॉप में क्योंकि दोनों स्पीकर साउंड होते हैं, तो आपको वो क्वालिटी ऑफ साउंड कभी नहीं मिल सकता, आपका ब्रेन वो एक सिंगल एक डायरेक्शन से साउंड को प्रोसेस करता है, तो वो समरिंग सिस्टम कभी जनरेट हम नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद साउंड के अंदर हम दूसरी चीज प्रॉपर्टीज डील कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं 8-bit साउंड और 16-bit साउंड। नाउ व्हेन अ साउंड इज बीइंग डिजिटाइज्ड, इट कैन बी डिजिटाइज्ड इनटू 8-bit और 16-bit। डिजिटल साउंड जो है वो 8-bit में जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि उसके साउंड के 256 पार्ट्स पर सेकंड करके बिट वाइज सेव किए जा रहे हैं, एक मेमोरी के अंदर उसके मैक्सिमम 256 पार्ट्स करके बिट वाइज सेव किए जाते हैं।
8 बिट के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि 8 बिट की अगर हम अनसाइंड वैल्यू लें तो वो 0 से 255 तक रेंज बैठती है। ये हमने कलर के अंदर भी पढ़ा था इसका, और इसके बाद बहुत सारी और जगहों पे भी इसका तस्करा हमने किया हुआ है प्रीवियस आई थिंक कलर के चैप्टर के अंदर, इमेजेस के चैप्टर के अंदर, इमेज डेटा टाइप चैप्टर के अंदर भी हमने बिट वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक, तो 8 बिट का बेसिकली मतलब ये कि 0 से 255 तो 0 एंड 1 और फिर 255 तो टोटल तादाद जो है 256 बैठती है। रिमेंबर दैट, तो टोटल तादाद जो है वो 256 है, जो रेंज है वो फ्रॉम 0, 0 इंक्लूसिव नंबर है तो 0 से 255 तो उसकी जो टोटल सम बैठता है वो 256 बैठता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 बिट साउंड है उसको जब आप ब्रेक करते हो तो उसकी टोटल तादाद जो है वो 256 पार्ट्स में बैठती है पर बिट। साउंड डिजिटाइजर 16 बिट, जो 16 बिट साउंड है उसमें अब 65,536 पार्ट्स सैंपल्स पर सेकेंड किए जाते हैं 2 पावर टू 16 रेशियो के हिसाब से। ठीक, तो इस जो 8 बिट और 16 बिट साउंड के अंदर जो मेजर पॉइंट ये होता है कि 8 बिट साउंड जो होंगे उसके एक सेकंड की जो साउंड मेमोरी के हिसाब से, अब यहाँ पे क्योंकि बिट वाइज वैल्यू है, बिट वाइज का मतलब मेमोरी के हिसाब से बात हो रही है, अब यहाँ पे सैम्पलिंग रेट के हिसाब से बात नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात नहीं हो रही, उस साउंड की मेमोरी के हिसाब से, क्या मेमोरी में जब मैं उसको सेव करूंगा तो मैं उसको कितने टुकड़े बना के रखूँ। तो एक बिट 8 बिट है तो 8 बिट मतलब उसके एक सेकंड के साउंड की 256 वैल्यूज 256 जो सैंपल्स किए जा सकते हैं। अगर वो 16 बिट है तो उसके एक सेकंड में 65,000 सैंपल्स अप्रॉक्सीमेटली किए जा सकते हैं। साउंड रिकॉर्डेड एट 16 बिट विल हैव मोर क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन टू ओरिजिनल साउंड। ये लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी सैम्पलिंग के अंदर कि जितने साउंड वेव के आपने ज्यादा टुकड़े लोगे उतनी ही उसकी क्वालिटी अप्रॉक्सीमेशन उस एनालॉग सिग्नल से करीब होगी, क्योंकि ओरिजिनल हाई क्वालिटी एनालॉग साउंड है। ये जो साउंड यहाँ से जनरेट हो रहा है ये बहुत बारीक और बड़ा शार्प और बड़ा क्रिस्प होता है, तो हमें डिजिटल को इसके करीब तरीन लाना होता है। तो करीब तरीन लाने के लिए लाजमी है कि उसमें सबसे ज्यादा सैंपल्स करें, क्योंकि वो उसी को टुकड़े पर, फिर जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे ना टुकड़े होंगे उन्हीं टुकड़ों को फिर हम डिजिटल 1-0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जितने ज्यादा टुकड़े मिलेंगे उतनी एक्यूरेसी के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जब हम 16 बिट पे काम करते हैं तो उतने ज्यादा टुकड़े होंगे, जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतनी क्लोज अप्रॉक्सीमेशन होगी। हाउ एवर इसका इफेक्ट फाइल साइज के ऊपर बहुत पड़ता है, ये भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था। द मोर सैंपल्स यू टेक द मोर फाइल साइज यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू, दैट इज वाई डिफरेंट डिवाइसेज डिफरेंट सैम्पल रेट पे काम करती हैं ताकि वो फाइल साइज को भी मैटर कर सकें, डेटा ट्रांसफर के ऊपर भी मैटर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो उसकी फाइल साइज और बिट साइज डिफरेंट होती है, जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो उसके साउंड फाइल्स की बिट साइज अलग होती है, लेकिन जब आप डीवीडी क्वालिटी के साउंड बात करो तो उसकी बिट साइज और उसकी सैम्पलिंग साइज अलग होती है, आप मोबाइल फोन पे पर जब वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसकी बिट साइज सैम्पलिंग साइज अलग होती है। सो एवरी डिवाइस के ऊपर जहाँ पे आप साउंड यूज कर रहे हो इट यूजेस बेस्ड ऑन देयर ओन एल्गोरिथम एंड टेक्निक वो डिफरेंट साइज को ऊपर अपन कर रहे होता है। 16 बिट स्टूडियो है, अगर आपने उसको 44 किलो हर्ट्ज पे सैंपल किया हुआ है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 MB की एक सिंगल फाइल मिलनी चाहिए। अगर आपने उसको 22 किलो हर्ट्ज पे साइन करोगे वही 16 बिट की 5 MB की हो जाएगी, अगर आप उसको 11 हर्ट्ज पे करोगे तो 2.52 MB की फाइल बनेगी। अब नेट से जो म्यूजिक फाइल आपने डाउनलोड की हुई है चेक करो उसकी फाइल साइज, उसकी बिट साइज, उसकी सैम्पलिंग रेट। अगर उसकी सैम्पलिंग रेट 1-2 MB तक है ना तो उसका मतलब है कि उसको बहुत हद तक कंप्रेस करके फिर सैम्पल किया गया, वो लिखा शायद 44 भी होगा वो उतनी ज्यादा डेटा वैल्यू उसमें आ ही नहीं सकती। ठीक, इसी वजह से आपको साउंड की क्वालिटी ओरिजिनल नहीं मिलेगी। जब आप ओरिजिनल DVD या ओरिजिनल साउंड की फाइल CD खरीदते हैं तो उस ओरिजिनल के अंदर मैक्सिमम 10 से 12 15 गाने होते हैं, उससे ज्यादा गाने नहीं होते ओरिजिनल के अंदर। वजह यह कि उसकी एक एक फाइल साइज को अनकंप्रेस्ड और हाई क्वालिटी मल्टी चैनल में रखा जाता है और उसकी फाइल साइज इवेंचुअली बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, फिर जब उसको बर्न करके कंप्रेस करके MP3s में कन्वर्ट करते हैं ना उसमें सारा डेटा जो है वो बड़ा गर्क हो जाता है, तो वो मल्टी चैनल डेटा खत्म हो जाता है। अगर 16 बिट मोनो साउंड है तो उसकी 44 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर 5 MB आएगा, क्योंकि ये सिंगल चैनल यूज करेगा तो ऑलमोस्ट हाफ चीज उसकी हो जाती है। ठीक है, 16 स्टूडियो बिकॉज 2 चैनल मिनिमम यूज करता है, स्टूडियो में 2 से ज्यादा चैनल भी आ सकते हैं, 2 चैनल मिनिमम यूज करता है, डबल फाइल साइज एज कम्पेयर टू मोनो साइज। 8 बिट मोनो यूज करेंगे तो अभी उसका भी फिर हमारे पास फर्दर हाफ हो जाता है, बिकॉज 8 बिट है 16 का हाफ ऑलरेडी हो गया, मोनो सिंगल चैनल तो 2.25 MB, 22 हर्ट्ज़ पे हमने किया 1.28 MB यूजुअली इसके पे KB's में जाती है। तो 8 बिट मोनो साउंड वो साउंड होते हैं जो हम टेलीफोन पे PTCL लैंडलाइन वाले यूज करते हैं, वो इवन उससे भी ज्यादा कंप्रेशन के बाद अलग से फाइल साइज को रिड्यूस करके यूज किया जाता है। किसी हद तक जो आपका 3G वॉइस सिग्नल्स हैं या 2G वॉइस सिग्नल्स हैं वो भी मोनो पे काम करते हैं। इस वक्त जो 3G वॉइस सिग्नल्स हैं आई एम नॉट टू एग्जैक्टली श्योर कि वो स्टीरियो 16 बिट पे हैं या स्टीरियो 8 बिट स्टीरियो पर है, आई थिंक मेरे ख्याल से वो 8 बिट स्टीरियो पे हैं पर थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। सो बहरहाल, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट 8 बिट एंड 16 बिट एंड सैम्पलिंग रेट हमें फाइल साइज का मद्देनजर रखना होता है।
इसी चीज को फिर आगे करते जाए तो देर इज ऑलवेज क्वालिटी एंड डेटा रेट की कंपेरिजन हमें करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट क्वालिटी और साइजेस पे काम कर रही होती है। ठीक है, द मोर द सैम्पलिंग रेट इज द लार्जर द फाइल साइज विल बी, डेटा रेट उसको फिर ट्रांसफर करने का उतना ज्यादा हमें रिक्वायर्ड होगा। द लेसर द सैम्पल साइज क्वालिटी गिरेगी, लेकिन उसकी डेटा साइज भी गिरेगा तो ट्रांसफर करना ज्यादा सा आसान हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 11 हर्ट्ज स्पीच या टेलीफोनिक जो 8 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज पर हम काम करते हैं, 22 किलो हर्ट्ज लो ग्रेट ऑडियो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, नेट के ऊपर, एएम रेडियो या यूट्यूब जो हम देख रहे होते हैं मोस्टली वो 22 किलो हर्ट्ज पे काम कर रहा होता है, 44 किलो हर्ट्ज यूजली सीडी क्वालिटी हाईएस्ट स्टैंडर्ड बेंचमार्क पे हम काम करते हैं कि ये पर सेकंड इतने थाउजेंड सैंपल्स आपके साउंड वेव्स के लिए गए हैं। सो टेलीफोन जो हो गया फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर 8 किलो हर्ट्ज के ऊपर वो सैंपल किया जाता है। टेलीफोन से मीन्स ये कि जो आपका जो लैंडलाइन टेलीफोन है, ठीक है, जो लैंडलाइन PDCL का टेलीफोन है हमारा, वो यूजुअली 8 किलो हर्ट्ज के ऊपर काम करता है। दैट्स हाउ, इसीलिए उसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अजीब सी होती है, समटाइम्स आवाज भी पहचानने में क्लियर नहीं आती। वजह ये कि वो बहुत कम सैंपल रेट पे काम करता है, उसकी बिट रेट जो है हमारे पास वो भी बहुत कम होती है, यूजुअली इट्स अ मोनो से, इसीलिए उसकी फाइल साइज भी बहुत कम होती है क्योंकि वो पुरानी बाइट्स के ऊपर काम किया जाता था। फिर AM रेडियो जो था हमारे पास वो 11 किलो हर्ट्ज पे काम करता है। FM रेडियो लाइक आई सेड प्रीवियसली कि वो आई बिलीव नाउ इट इज यूजिंग 22 किलो हर्ट्ज सैंपल रेट। प्रीवियस किसी स्लाइड में लेक्चर में FM के ऊपर भी 11 लिखा था, लेकिन इफ आई रिमेंबर करेक्टली FM हमारे पास 22 है, AM रेडियो जो इनफैक्ट वो 11 किलो हर्ट्ज पे काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं FM की क्वालिटी बेहतर है, तो अगर आप जो गाड़ी में रेडियो सुनते हो तो उस रेडियो के सिग्नल भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू AM रेडियो। AM जो नॉर्मल ऑडियो मॉडियो फ्रीक्वेंसी थी उसके ऊपर अभी भी कुछ रेडियो चैनल्स हैं पुराने, वो AM पे भी सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली nowadays पीपल टेंड टू यूज FM रेडियो जो कि 22 किलो हर्ट्ज सैंपल्स पे काम करता है 16 बीट स्टीरियो साउंड के ऊपर। CD हो गया, DVD हो गया, दे टेंड टू यूज नाउ 44 किलो हर्ट्ज सैंपल्स विद 16 बिट स्टीरियो साउंड, जिसकी वजह से क्योंकि फाइल साइज भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बैंडविड्थ भी उनकी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन साइज की क्वालिटी हमारे पास बेताशा अच्छी रहती है। इससे ज्यादा भी सैम्पलिंग रेट के ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड सैम्पलिंग रेट है जिस पर डेटा काम हम करते हैं, कीपिंग इन माइंड द फाइल साइज एंड बैंडविड्थ हमें क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, होपफुली यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन, और कोई क्वेश्चंस कोई कंफ्यूजन हो तो लीव द क्वेश्चंस डाउन बिलो और आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू।